मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बिस्तर में होते हैं। वो दोनों नशे की हालत में ये सब कर रहे होते हैं और उसमें से लड़की बहुत ही ज्यादा ड्रग्स एडिक्ट होती है और जब वो ड्रग्स ले रही होती है उसे मालूम चलता है कि उसका ड्रग्स खत्म हो चुका है और तभी वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम के ऊपर चीखने चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें मालूम था लेकिन तुमने फिर भी ड्रग्स का इंतजाम नहीं किया। तो फिर इसके बाद टॉम एक प्लान बनाता है और वायरलेस रेडियो उठाकर लाता है और कहता है कि हम इससे किसी ट्रक ड्राइवर को कॉन्टेक्ट करेंगे और फिर हम उस ड्राइवर को यहाँ पर बुलाकर उसे पूरी तरह से लूट लेंगे। अब उसकी गर्लफ्रेंड रेडियो पर एक ट्रक ड्राइवर को बहलाने फुसलाने लगती है। वो ट्रक ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि रस्की होता है जिसको आपने इसके पहले और दूसरे पार्ट में देख लिया होगा। अब वो दोनों मिलकर रश्टी को अपने रूम पर बुलाते हैं। रश्टी के रूम पर आते ही टॉम उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन रश्टी उसे पहले ही पकड़ लेता है और अब वो उन दोनों को ही पकड़ कर अपने साथ में ले जाता है। रश्टी उन दोनों को एक चैन की मदद से अपने एक्सल से बांध देता है। अब वो इन दोनों को सजा देने के लिए उनके साथ एक गेम खेलने लगता है। रश्टी गेम के रूल को बताता है और कहता है कि अगर तुम दोनों ट्रक के बोनट पर अगर एक मील की दूरी तक टिके रहे तो फिर तुम्हें इनाम के तौर पर एक ट्रक का पैकेट भी मिलेगा और मैं तुम्हें आजाद भी कर दूंगा, लेकिन अगर बीच रास्ते में अगर तुम दोनों में से किसी एक का भी बैलेंस बिगड़ा तो ट्रक के नीचे आने से तुम्हारी मौत हो सकती है। अब रश्टी इन दोनों के सामने ट्रक के ऊपर ड्रग्स के पैकेट को चिपका देता है ताकि उनका ध्यान उसके ऊपर बना रहे। अब रश्टी उन्हें ट्रक के ऊपर बैठा कर फुल स्पीड में ट्रक को चलाना स्टार्ट कर देता है। पहले तो इन दोनों को ये सब कुछ आसान लग रहा था, जैसे जैसे ट्रक की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ती है तो इन्हें समझ में आ जाता है कि ये करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मुश्किल है। अब डर के मारे कैंडी का हाथ छूट जाता है और अब जैसे जैसे फिर से वो ऊपर आकर टॉम का हाथ पकड़ लेती है। अब रश्टी इसके बाद ट्रक की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है लेकिन ये दोनों किसी तरह से एक मील तक टिके रहते हैं। लेकिन रश्टी एक मील होने के बाद भी अपने ट्रक को नहीं रोकता है और कहता है कि तुम जीत चुके हो, तुम ड्रग के पैकेट को ले सकते हो। कैंडी लालच में ड्रग के पैकेट की तरफ देखती है लेकिन टॉम उसे मना करता है कि ऐसा मत करना, नहीं तो हम मारे जा सकते हैं। लेकिन कैंडी नशे की भूखी थी, इस वजह से वो आगे बढ़कर ड्रग के पैकेट को उठा लेती है और इसी वजह से उनकी जंजीर एक्सल की तरफ खिसक जाती है जिससे जंजीर लिपटने लगती है और टॉम जंजीर के सहारे खिसक कर ट्रक के नीचे चला जाता है। और फिर इसके साथ ही कैंडी भी ट्रक के नीचे चली जाती है जिस वजह से उन दोनों के ट्रक के नीचे जाने से बोटी बोटी हो जाती है और दोनों की ही मौत हो जाती है। इस चीज को देखकर रश्टी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, हम दो रेसर को देखते हैं जिनका नाम जॉर्डन और एस्टिन है और इनके साथ जॉर्डन की गर्लफ्रेंड जेवल, मैकेनिक मिक्की, एलिसा और बॉबी भी है और इनको एक रेस में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचना है। अब ये लोग वहां से निकलने से पहले अपने क्रू के साथ एक फोटो खिंचवाते हैं। अब इसके बाद वे अपने रेसिंग कार को ट्रेलर के ऊपर लोड करके वहां से निकल जाते हैं। एक दूसरे से कॉन्टेक्ट बनाए रखने के लिए ये लोग रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। इधर हम देखते हैं कि पुलिस लाश के टुकड़ों को देखकर उसे स्टंट करने वालों के एक्सीडेंट का नाम देती है क्योंकि ये रोड पहले से ही बहुत ही ज्यादा बदनाम है। इधर वो सभी लोग एक ट्रक स्पॉट पर रुकते हैं। रेस्टोरेंट में बैठे बैठे एस्टिन मैप के जरिए एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है और ये वही रास्ता होता है जिस रास्ते पर टॉम और कैंडी की बॉडी मिली है और उस रास्ते पर जीपीएस और फोन के नेटवर्क भी काम नहीं करते हैं और ना ही पुलिस घूमती है। इस वजह से ये लोग उस रास्ते पर अपने रेसिंग कार को टेस्ट करने की सोचते हैं। इस रास्ते के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए वो लोग वहाँ पर पास में बैठे हुए एक ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं तो फिर वो ड्राइवर बताता है कि ये रास्ता आम लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पर जो भी जाता है वो रहस्यमय तरीके से मारा जाता है। अब इससे पहले कि वो और भी बातें बताता वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कि ट्रक ड्राइवर को पागल बोलकर उसका मजाक उड़ा देता है और अब जिस वजह से एस्टिन और जॉर्डन ट्रक ड्राइवर की बातों को हल्के में ले लेते हैं और उस रास्ते से जाने का अपना प्लान बना लेते हैं। इस रास्ते पे आने के बाद वो लोग मिकी और बॉबी को दूसरी गाड़ी से आगे भेज देते हैं। ये चारों अपनी रेसिंग कार में बैठकर थोड़ा पीछे ही रहते हैं ताकि वो लोग अपनी रेसिंग कार की फुल स्पीड को टेस्ट कर सकें। इस दौरान हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ही तेजी से रश्टी के ट्रक को ओवरटेक करते हैं और जिस वजह से रश्टी का ट्रक के ऊपर से कंट्रोल बिगड़ते रह जाता है जिस बात से रश्टी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इसके बाद रश्टी अपने ट्रक से फुल स्पीड में उनका पीछा करने लगता है लेकिन उनकी कार बहुत ही तेज होने की वजह से रश्टी से काफी आगे निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि आगे जाकर जॉर्डन कार को रोकता है और अब एस्टिन को ड्राइव करने के लिए कहता है। अब उनकी कार रुकने की वजह से रश्टी अपने ट्रक को लेकर उन तक पहुंच जाता है। अब जैसे कि एस्टिन ने रश्टी के साथ किया था वैसे ही रश्टी उन लोगों के साथ करता है। अब देखते हैं कि रश्टी उनके कार को ओवरटेक करता है और फिर ट्रक को उनके सामने लाकर उनको आगे भी नहीं जाने देता। रश्टी बार बार ऐसा करता है और रश्टी के ऐसा करने की वजह से उन सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचते हैं कि आखिर एक ट्रक ने एक रेसिंग कार को कैसे ओवरटेक किया। इस वजह से जॉर्डन कार को बहुत ही तेजी से चलाकर रश्टी के ट्रक से आगे निकाल लेता है। लेकिन अब इसके बाद जब मिक्की ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो फिर रश्टी उसके ट्रेलर को साइड मार के उनकी गाड़ी से अलग कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर ये लोग सीरियस हो जाते हैं कि ट्रक ड्राइवर कोई मजाक नहीं कर रहा है और ये कुछ भी कर सकता है। रश्टी ट्रक को स्पीड करके उन दोनों गाड़ियों के बहुत ही करीब आ जाता है। अब वो जॉर्डन की रेसिंग कार को पीछे से ठोकने ही वाला होता है और तभी सामने से एक कार आ जाती है। जॉर्डन अपनी गाड़ी को आसानी से मोड़ तो लेता है लेकिन इतना बड़ा ट्रक आसानी से नहीं मुड़ता
इस वजह से ब्रेक मारने की वजह से रश्मि का ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और रश्मि का एक्सीडेंट होते होते भी बचता है और ट्रक की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब रश्मि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सभी को सबक सिखाने का सोच लेता है। इधर जैवल रश्मि की रिपोर्ट पुलिस में करना चाहती है, लेकिन जॉर्डन पुलिस के चक्कर में पड़कर अपने टाइम को खराब नहीं करना चाहता है और वो कहता है कि हमें सिर्फ जल्दी से जल्दी कनाडा पहुंचना है। रश्मि ने अपने ट्रक में कैमरा लगा रखा था और जिस वजह से वो जॉर्डन की कार का नंबर प्लेट देखता है और उनकी पूरी डिटेल निकाल लेता है। अब इसके बाद रश्मि उनसे रेडियो पर कॉन्टेक्ट करता है और उन्हें धमकी देता है कि तुमने जो भी किया तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन जॉर्डन के कहने पर वो लोग आगे ही बढ़ते रहते हैं। अब ये सभी लोग एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पर कि ये सभी लोग डरते भी हैं कहीं रश्मि पुलिस कंप्लेन न करते जिस वजह से इनका यहीं पर ही टाइम खराब हो सकता है। इसके बाद जॉर्डन कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी कनाडा बॉर्डर पर पहुंचना चाहिए क्योंकि वहां पर पुलिस उनका पीछा नहीं करेगी। अब इस बात से जॉयल भड़क जाती है और वो एस्टिन के साथ शहर की तरफ पुलिस रिपोर्ट लिखाने जाती है। इधर जॉर्डन बाकी सभी लोगों के साथ कनाडा के लिए निकल जाता है क्योंकि जॉर्डन के लिए ये रेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद एस्टिन और जॉयल के कार का टायर पंचर हो जाता है। अब रात के समय बीच रास्ते में एस्टिन और जॉयल कार के टायर को बदलने लगते हैं। टायर को बदलने के बाद जॉयल ड्राइव करने लगती है। उधर जॉर्डन का जीपीएस का सिग्नल चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉयल और ऑस्टिन के कार के पीछे अचानक से रश्मि का ट्रक आ जाता है। रश्मि उनका लगातार ही पीछा करता है जिस वजह से जॉयल अपनी कार को फुल स्पीड में भगाने लगती है, लेकिन रश्मि लगातार ही इनकी कार को टक्कर मारता रहता है और आखिरी में उनकी कार पलट जाती है। अब उधर जॉर्डन का जीपीएस सिग्नल वापस आ जाता है और वो जॉयल और ऑस्टिन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। इस वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर 15 मिनट में उन लोगों का रिप्लाई नहीं आया तो ये लोग यू टर्न लेकर उनके पास वापस जाएंगे। उधर रश्मि जॉयल और ऑस्टिन को एक सुनसान जगह पर ले जाकर टॉर्चर करना शुरू कर देता है। सबसे पहले रश्मि एस्टिन के दोनों हाथों को ट्रक के इंजन फैन में देखकर काट देता है। इसके बाद रश्मि एस्टिन के चेहरे को भी ट्रक के फैन में डाल देता है और अब जिसकी वजह से एस्टिन की मौत हो जाती है। इसके बाद रश्मि जॉयल को अपने अड्डे पर ले आता है और जॉर्डन को रेडियो पर कॉन्टेक्ट करके बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड मेरे पास है, अगर तुम उसे छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें एक घंटे के अंदर अपनी रेसिंग कार को मुझे देना होगा। ये सुनकर जॉर्डन तुरंत ही हाँ बोल देता है। अब रश्मि इन लोगों को 100 मील दूर एक पुराने और सुनसान वेयर हाउस में बुलाता है। वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर को एस्टिन की बॉडी मिल जाती है। इसके बाद वो अपने सीनियर को रिपोर्ट कर देता है। रश्मि जॉयल का एक वीडियो बनाता है। जॉर्डन को रश्मि के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस वजह से जॉर्डन एक प्लान बनाता है कि वो सबसे पहले जॉयल को छुड़ाएंगे। अब वो लोग समय पर ही रश्मि के बताए हुए जगह पर पहुंच जाते हैं। ये लोग वहीं पर ही एलिसा को कार की रखवाली करने के लिए कहते हैं और जॉर्डन अकेले ही रश्मि से मिलने अंदर अकेले जाता है। अब बॉबी और मिकी अंधेरे में ही रश्मि के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। अंदर जाने से पहले जॉर्डन जॉयल से बात करने की डिमांड करता है। इस बात पर रश्मि उसे जॉयल का एक वीडियो भेजता है। अब जॉर्डन रश्मि के ट्रक के पास पहुंच जाता है और साथ ही छुपते हुए बॉबी भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन रश्मि बॉबी को देख लेता है और उसे पीछे से मार कर किडनैप कर लेता है। इधर जॉयल का कोई भी रिप्लाई नहीं मिलने की वजह से जॉर्डन रश्मि को आवाज देने लगता है, लेकिन तभी जॉर्डन के पीछे एलिसा आ जाती है। जॉर्डन उसे रश्मि समझकर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। इसके बाद रश्मि अचानक से ही अपने ट्रक को चालू करके जॉर्डन के ऊपर चढ़ाने लगता है, लेकिन जॉर्डन साइड में कूदकर अपनी जान को बचा लेता है और रश्मि अपने ट्रक को लेकर सीधा ही निकल जाता है। और फिर इसके बाद इन सभी को मालूम चलता है कि रश्मि ने बॉबी को भी किडनैप कर लिया है। अब इसके बाद ये लोग अपनी कार को लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। उधर रश्मि ट्रक को लेकर जा रहा होता है और तभी ऑफिसर विलियम्स उसे देख लेता है और फिर इसके बाद वो ट्रक को रुकवाता है। वो देखता है कि ट्रेलर से खून बाहर आ रहा है, इस वजह से वो ट्रक ड्राइवर को पकड़कर उसे हथकड़ी पहना देता है। फिर हमें मालूम चलता है कि ये ड्राइवर रश्मि नहीं है बल्कि कोई और ड्राइवर है। जब पुलिस ऑफिसर ट्रेलर को चेक करता है तो उसमें से एक आदमी की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर ऑफिसर के साथ ही साथ ड्राइवर भी काफी हैरान हो जाता है। ड्राइवर कहता है कि ये ट्रक मेरा नहीं है, मुझे तो किसी ने यहाँ पर हेल्प के लिए बुलाया था। अब इधर रास्ते में इन तीनों को जैकिस मिल जाता है। ये सभी मिलकर रश्मि को ढूंढने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रश्मि उन्हें ढूंढते हुए आ जाता है और फुल स्पीड में जैकिस की कार को टक्कर मार के उसके चीतड़े उड़ा देता है। अब आगे जाकर रश्मि बॉबी को अपने ट्रेलर में डालकर उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। रश्मि ने बॉबी के पूरे शरीर पर टायर्स की चेन लगा दी थी और उसे एक मोटर की मदद से पूरा टाइट करता जा रहा था। बॉबी की चीखे रेडियो के द्वारा जॉर्डन भी सुनता है और जिस वजह से वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं। अब थोड़ी देर बाद ही वो चैन इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है कि बॉबी का शरीर पूरी तरह से क्रश हो जाता है और इस तरह से बॉबी भी मारा जाता है। अब ये सभी कुछ देखकर जॉयल के होश उड़ जाते हैं। रश्मि जॉर्डन से कॉन्टेक्ट करता है और कहता है कि अगर तुम्हें जॉयल चाहिए तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। इस बात को जॉर्डन मान जाता है, लेकिन मिकी पुलिस को कॉन्टेक्ट करना चाहता है। इस वजह से वो कार से बीच रास्ते में ही उतर जाता है। इधर एलिसा और जॉर्डन जॉयल को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर रश्मि मिकी को बीच रास्ते में अकेला देखकर उसे भी किडनैप कर लेता है और वो उसे भी ट्रक के नीचे क्रश करके मार डालता है। इधर रश्मि की बताई हुई जगह पर पहुंचने के बाद जॉर्डन एलिसा से रिक्वेस्ट करने के बाद उसे वापस से मिकी की हेल्प करने के लिए भेज देता है। अब इसके बाद जॉर्डन रश्मि को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से रश्मि का कोई भी जवाब नहीं आता है।
है और तभी उसे जोएल की चीखें सुनाई देने लगती हैं। इस वजह से वो उस आवाज को सुनकर आगे बढ़ता है, लेकिन अब तभी जॉर्डन के सामने एक लोहे का पाइप लेके रस्टी आ जाता है। यहाँ पर रस्टी जॉर्डन को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। जॉर्डन को मालूम चलता है कि रस्टी ने जोएल को एक कार में बंद करके उस कार को क्रश कर रहा है। अब रस्टी जॉर्डन को मारने ही वाला होता है, तभी अलीसा कार से रस्टी को उड़ा देती है। अब इसके बाद जॉर्डन जोएल को बचाने के लिए उस कार के अंदर जाता है, तो फिर वो देखता है कि उसमें जोएल है ही नहीं, बल्कि जोएल का चीखते हुए एक वीडियो चल रहा होता है। वो उस वीडियो में देखता है कि रस्टी ने जोएल को ट्रक के ऊपर बांध दिया था और ब्रिज के नीचे से निकलकर जोएल के बॉडी के दो टुकड़े कर दिए थे। अब इसके बाद जॉर्डन नीचे उतरकर रस्टी को खोजने लगता है, लेकिन रस्टी वहां पर नहीं होता है। वो अपने ट्रक को लेकर वहां से निकल चुका है। इस वजह से जॉर्डन और अलीसा अपने कार में बैठते हैं और रस्टी को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रस्टी अपने ट्रक को लेकर उनके पीछे से आता है और उनकी कार को जोरदार टक्कर मारता है और उनकी कार को एक जगह पर लाकर फंसा देता है और फिर जॉर्डन की कार को क्रश करके उन्हें मारने वाला होता है। लेकिन अलीसा का पैर कार में फंस जाता है, इस वजह से वो कार से बाहर नहीं निकल पाती है। जॉर्डन उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाती। इसके बाद जॉर्डन क्रेन में चढ़ जाता है और फिर रस्टी को उसके ट्रक के साथ ही ऊपर उठाकर उसे बहुत ही बुरी तरह से क्रश कर देता है। अब जब अगली सुबह पुलिस छानबीन करती है तो उन्हें ट्रक के अंदर कोई भी बॉडी नहीं मिलती है। इसका मतलब साफ था कि रस्टी वहां से भाग गया है और वो अभी भी जिंदा है। अब हम देखते हैं कि रस्टी एक सुनसान रोड पर चल रहा है और फिर एक ट्रक से लिफ्ट मांगता है और फिर अब वो उसके अंदर बैठकर अपने नए शिकार के लिए निकल जाता है। और अब दोस्तों यहीं पर ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके।